सो व्हाट्स अप गाइस, वंस अगेन बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं आपको थंबनेल देख के और टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो चेक नहीं करी होगी आपने, लेकिन हाँ इन दो तीन चीज़ों से तो आपको पता चल ही गया होगा कि टॉपिक किस बारे में होने वाला है। और हाँ जल्दी जल्दी मैं फर्स्ट कमेंट चेक करने के चक्कर में आपको आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा आप थ्री फिंगर में कैसे शिफ्ट हो सकते हो। तो गाइस आपको भी ऐसा लगता है क्या कि मतलब थ्री फिंगर खेलना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉसिबल सा है आपके लिए? तो गाइस आप बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो, मैं सही बोल रहा हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा गलत हो। और हाँ आप इसी ये सोचने के चक्कर में आप थ्री फिंगर नहीं शिफ्ट हो रहे हो, क्योंकि ना आपको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, ऐसा मैं नहीं खेल पाऊंगा। और हाँ गाइस सेम हालत मेरी भी थी, ऐसी के ऐसी सेम हालत मेरी भी थी। तो गाइस देखो मेरी हालत ऐसी थी, तो मैंने देखो क्या किया ना, मतलब एक दिन गुस्से में आके देखो टू फिंगर में मेरा सड़ा सा गेम प्ले चलता था, ना ही तो मूवमेंट होती थी और ना बंदे भी हंस के चले जाते थे। और हाँ बहुत बार 7-0 से भी हार चुका हूँ मैं किसी बंदों से, लेकिन आज ना मेरा गेम प्ले देखो बैक में, भाई आपको लग रहा है कि मतलब मूवमेंट वगैरह सभी कुछ ओपी हो चुकी है मेरी, आप बैक में देख सकते हो। देखो बंदे ना 3-4 रश करते हैं फिर भी मैं हैंडल कर लेता हूँ कैसे ना कैसे। तो गाइस देखो ये इस टाइप का गेम प्ले मेरा कैसे हुआ है ना, मतलब आपको बता दूंगा, डिटेल में बता दूंगा। और हाँ आपके लिए जो बेस्ट कस्टम एचयूडी होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, क्योंकि आपका भाई अभी वीडियो बनाता रहेगा आपके लिए। और हाँ आप ना बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा एक कमेंट देख के, तो गाइस देखो, और हाँ गाइस देखो ये कमेंट पढ़ो आप, और हाँ थोड़ा मतलब रोक के भी आप पढ़ सकते हो आसानी से। तो गाइस हाँ देखो इतना बुरा मेरे को और भी लगा है, क्योंकि आपका बहुत मतलब एक चीज़ ना बहुत बुरी लगी मेरे को, देखो इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे भाई, लोग क्या कर रहे हो यार, ये मैं ना मतलब इतना अच्छा वीडियो बना रहा हूँ और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा क्या, मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी बता देना। तो गाइस यार क्या कर रहे हो, थोड़ा ना सब्सक्राइब करके बताओ ना यार, मतलब आज दिखाई तो इस वीडियो के अंदर कि हाँ हमको आज का आपका वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हाँ आप कैसे दिखाओगे आपने सब्सक्राइब कर रखा पहले से? तो गाइस अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, उनको अच्छा लगेगा तो वो तो करेंगे कम से कम सब्सक्राइब। और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अब बात कर लेते हैं सब्सक्राइब करना, और बेल बाजू में जो बेल आइकन निकल के आएगा ना उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना। और हाँ इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो इंस्टा पे भी जाके मुझे फॉलो कर देना, जिससे ना इस वीडियो के अंदर जो भी प्रॉब्लम आपको आई है ना यहाँ पे मेरे को वहाँ मतलब मैसेज कर देना, नहीं तो मैसेज कर देना। और हाँ कमेंट बॉक्स में भी मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मतलब कुछ भी कोई मतलब थोड़ा सा भी डाउट हो रहेगा ना इस वीडियो में तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो गाइस देखो टू फिंगर खेलने में मतलब इतना मज़ा नहीं आएगा जैसा थ्री फिंगर में आएगा। जैसे ना देखो अपना वासिमस भाई जो ना मतलब ई स्पोर्ट प्लेयर है, और हाँ पहाड़ी वो भी ई स्पोर्ट प्लेयर है, आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ। हाँ आपको पता होगा, वैसे आप फ्री फायर प्लेयर हो तो आपको इतना तो पता होगा कि ये फ्री फायर प्लेयर ई स्पोर्ट प्लेयर है, ठीक है? तो गाइस ये क्या ना देखो थ्री फिंगर ही खेलते हैं, तो गाइस इनका गेम प्ले ना देखा आपने अलग ही लेवल का है। और हाँ थ्री फिंगर में मतलब ये मूवमेंट भी अच्छी कर लेते हैं, और AWM भी चला लेते हैं, और हाँ मतलब देखो वो भी खेल सकते हैं टूर्नामेंट भी, ठीक है? और हाँ आप लोग ना देखो टू फिंगर में, अरे भाई मतलब ग्लू वॉल ही नहीं लगा, अरे ग्लू वॉल हाथ में ही नहीं आया, अरे भाई यार ये क्या हो गया मेरा स्क्रीन ही काम नहीं कर रही, मतलब इतने बहाने ना आपके पास। तो भाई देखो यही नहीं अभी और सुनिए, रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं। पर हाँ गाइस हार भी कैसी, 7-1, 7-0, 7-2, 7-3 बस ऐसी। और हाँ अब थ्री फिंगर प्लेयर की देख ले अपन, तो गाइस हारने का नाम ही नहीं लेते वो सारे बंदे ना, ऐसे विंग्स है अपना वाइड FFA, और भाई इनों का गेम लेना देखो ना यार कितना ग्रो हो चुका है। और हाँ आप भी अपना खुद का कस्टम HUD डिज़ाइन कर सकते हो इस वीडियो में देख के, मतलब वीडियो ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। अच्छा और हाँ जैसे रनिंग ग्लूअल वगैरह आप सभी कुछ OP लेवल के लगा सकते हो, हाँ आपने सही सुना, और हाँ बैक में देख भी सकते हो रनिंग ग्लूअल। और हाँ देखो ना यार मतलब अलग ही लेवल का गेम प्ले हो सकता है। तो कैसे आपको फर्स्टली क्या करना होगा, बस वीडियो को लाइक करना होगा, और हाँ चैनल पे पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बाजू में जो बेल आइकन निकल के आएगा ना उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना, जिससे ना मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और हाँ सबसे पहले पहुंच के ना आप सबसे पहले क्लिक करो, और हाँ क्लिक करते ही फर्स्ट कमेंट कर दो, और फर्स्ट कमेंट करोगे तो आपका कमेंट मैं पिन करूँगा तो मतलब सभी बंदों से बोलता रहता हूँ, उनका भी चैनल चेकआउट कर लिया करो, अच्छा लगे गेम प्ले तो उनको भी सपोर्ट दिखाना। और हाँ एक और फायदा है, मतलब बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट करोगे तो आपके पास मतलब हर एक टिप्स से आप मिस ना रहोगे। और हाँ अगला टॉपिक भी कमेंट पे कर देना। हाँ तो ना मैं अभी से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ तो कमेंट कर देना यार, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो कोई नहीं देता होगा यार, मैं देता हूँ इनसे अच्छी तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो कोई नहीं देता होगा। और हाँ मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको सिखाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो भाई सब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, तो वीडियो स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले तो ना ये जो भी बताया मैंने ये सब मोटिवेशन के लिए था आपके, क्योंकि आप मोटिवेशन हो जाओ, और हाँ थ्री फिंगर में खेलने के लिए मतलब आपसे मतलब आप सोच लो कि हाँ मैं थ्री फिंगर खेल सकता हूँ, और हाँ अभी से स्टार्ट कर दूंगा। तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ बातें आपको बताई है ना, जिससे ना आपका मतलब सही सेट आप थ्री फिंगर खेल पाओ।
तो गाइस बात करेंगे अपन थ्री फिंगर प्लेइंग स्टार्ट कैसे करें, मतलब किस टाइप से आप थ्री फिंगर प्लेइंग स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप टू फिंगर प्लेयर हो तो हाँ, आप जल्दी से थ्री फिंगर प्लेइंग स्टार्ट कैसे कर सकते हो। और हाँ, फर्स्ट स्टेप क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे ना आप थ्री फिंगर खेलना स्टार्ट करो ना तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो गाइस थ्री फिंगर खेलने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है अपना कस्टम हुड। तो गाइस आपने सही सुना, कस्टम एचयूडी, आप गलत सुन रहे हो। और हाँ, मैं भी गलत बोल रहा हूँ। तो कस्टम एचयूडी की बात कर ली जाए तो देखो, अपनी सेंसिटिविटी तो 100 रखनी है आपको, हमेशा बताना नहीं पड़ता है मेरे को, लेकिन हाँ इस बार भी बता रहा हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, देखो प्रेजेंटेशन 1 या 2 होता है, ठीक है। तो आप देखो प्रेजेंटेशन जिसने भी आपने रख रखा है अभी करंट जो कस्टम एचयूडी होता है वो, और उससे ना अलग छोड़ के, मतलब फर्स्ट में रखा हुआ है तो सेकंड में आप देखो रीसेट कर सकते हो। रीसेट क्या करना है, मतलब रीसेट करके हटा दो उसको, मतलब हाँ रीसेट करके ना देखो उसमें क्या करना है आपको। देखो ये जो अपना लेफ्ट पैर बटन जो होता है ना, इसकी ना मतलब पोजीशन आपको थर्ड फिंगर पे रखनी है। तो गाइस इसकी यहाँ पोजीशन थर्ड फिंगर पे रखने के ये एक ही कारण है, जैसे ना देखो आपका थर्ड फिंगर अभी बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं किया है, तो उसका ना मतलब उसको यूज़ करने में ना फर्स्टली आपको क्या करते हो आप देखो ना, गलती क्या कर देते हो, मतलब जंप बटन और सीट बटन वहाँ रख देते हो, जिससे ना क्या होता है वो तो उंगली काम करेगी नहीं आपकी, मतलब बिल्कुल भी काम ही नहीं करेगी, क्योंकि पहले आपने बिल्कुल भी उसको यूज़ नहीं किया हुआ है। और हाँ थोड़ा बहुत यूज़ कर रखा है तो आप देखो ना मेरी कस्टम एचयूडी यूज़ कर सकते हो। मेरी कस्टम एचयूडी नहीं यूज़ करो ना तो देखो मैं आगे भी बताऊंगा। देखो इस टाइप से आप जंप बटन भी रख सकते हो, क्योंकि ना मतलब आपका थोड़ा बहुत यूज़ कर रखा है तो जंप बटन रख सकते हो। और हाँ आप सीट बटन भी आसानी से रख सकते हो, मेरा तो सीट बटन है तो मैं सीट बटन सजेस्ट करूँगा। और हाँ देखो मैंने सीट बटन रखा है तो मेरा ना फास्ट ग्लोअल ओपी लेवल का लगता है। और हाँ देखो आपने जब भी मतलब थ्री फिंगर का यूज़ नहीं किया हुआ है ना, आपने मतलब फिंगर जो यूज़ नहीं किया हुआ ना, तो आपको लेफ्ट फायर बटन ही इस साइड में रखना है, ठीक है। उससे ना क्या होगा, देखो आपका धीरे धीरे फिंगर मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट होना होगा। तो मतलब उसके बाद ना बहुत सारी स्टेप ऐसी भी होगी ना जिसमें ना आपको मतलब देखो हाँ मतलब आगे भी कस्टम एचयूडी ऐसी भी होगी ना जो आप यूज़ कर सकते हो। और हाँ थर्ड फिंगर का जो मतलब आपका हाथ काम करने लग जाए ना थर्ड फिंगर वाला, तो हाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा अगला कस्टम एचयूडी। हाँ तो मैंने बहुत सारे कस्टम एचयूडी के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, तो आपको ना जाके देख सकते हो। तो आपका फर्स्ट एम ये होना चाहिए कि आपका थर्ड फिंगर काम करना स्टार्ट हो जाए। और हाँ काम करता है थोड़ा बहुत भी, तो देखो इस टाइप से कुछ कस्टम एचयूडी आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो ना, जिससे फास्ट ग्लू वाला ओपी लेवल के लगे। और हाँ जंप वाला बटन भी इधर साइड रख सकते हो। और हाँ अब बात करेंगे, देखो अगर आप कस्टम खेलते हो, कस्टम प्लेयर ओनली, तो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ मतलब क्विक स्विच वेपन बटन का ही करना है अपने लेफ्ट फिंगर से, ठीक है। और हाँ अगर आप मतलब टूर्नामेंट भी खेलना चाहते हो, रैंक भी खेलना चाहते हो ना, तो इस टाइप का कस्टम एचयूडी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ना जंप बटन और सीट बटन भी आप लेफ्ट साइड में रख सकते हो, है ना, क्योंकि ना मैं भी ऐसे ही यूज़ करता हूँ। और हाँ आज आप देख सकते हो मैं रैंक भी अच्छे से खेल लेता हूँ, और हाँ टूर्नामेंट वगैरह सभी कुछ ओपी लेवल से खेल सकते हैं। और हाँ गाइस आप सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हो ना, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। तो गाइस आप क्या करते हो, देखो थ्री फिंगर शिफ्ट होना है मेरे को भाई, मैं तो मतलब अच्छी सी कस्टम एचयूडी बना दूंगा और हाँ आज ही खेलना सीख जाऊंगा उसमें। और हाँ अरे भाई वो वाइट एफ एफ है, उसका कस्टम एचयूडी बहुत ज़्यादा ओपी है, तो भाई वो यूज़ करूँगा मैं तो। हाँ और हाँ विंक्स का भी भाई क्या ही तो कस्टम एचयूडी है, क्या ही तो खेलता है वो तो भाई वही कस्टम एचयूडी अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं। और हाँ देखो आप टू फिंगर से डायरेक्ट शिफ्ट होंगे और ऐसी कस्टम एचयूडी यूज़ करोगे ना, तो आपका तो मतलब हो गया नया हो गया, मतलब जो भी बोलते ना उसको हो गया आपका तो बहुत तो अच्छा हो गया। तो गाइस आपको ये गलती नहीं करनी है, मैंने आपको बताया ये गलती नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग करनी है, मतलब बिल्कुल धीरे से स्टार्टिंग करनी है। जैसे मैंने बताया अपने पहले फिंगर को मतलब थोड़ा सा ये करो, फिंगर को मतलब यूज़ कराओ, ठीक है, उसके बाद ना कस्टम एचयूडी यूज़ करो वो वाली। हाँ अगर वो कस्टम एचयूडी यूज़ कर लिया आपने, और हाँ देखो अगर आपने मतलब सोच भी लिया कि मैं अपने बंदे को हरा सकता हूँ, और हाँ वो सामने आ गया और आप उससे 7-0 से वापस हार गए, तो भाई आपकी क्या होगी इज्जत, मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। और हाँ अब अच्छा सा कमेंट भी कर देना, मतलब वीडियो इन्फॉर्मेटिव है या नहीं, इन्फॉर्मेटिव यस या इन्फॉर्मेटिव नो, मतलब कुछ भी बता देना, मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आपने वीडियो देखा है पूरा। और क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ ये गलत बोल रहा हूँ, ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना। और हाँ आप स्पोर्ट और टूर्नामेंट भी अच्छे से खेल सकते हो, मैंने बताया ये आपको। और हाँ आप देखो मतलब जो कुछ चाह रहे ना तो वो थ्री फिंगर में कर सकते हो, क्योंकि ना टू फिंगर से आप क्या क्या चीज़ दबाओगे मेरे को बताना। अगर देखो ग्लूवल दबाओगे तो मतलब जंप बटन नहीं होगा आपके साथ, मतलब सीट बटन नहीं होगा, या तो हाँ और ग्लूवल दबा दोगे तो सीट बटन भी नहीं होगा, और हाँ जंप बटन नहीं होगा, तो मतलब एक साथ ना आप थ्री बटन के काम यूज़ करोगे तो आपके ज़्यादा बेटर रहेगा। और हाँ आप दो बटन ही दबा पाओगे तो क्या होगा उसमें ना बताऊँ मेरे को ना, देखो आप जैसे ही मतलब फायर करोगे लेफ्ट से, ठीक है, मतलब राइट से फायर करोगे, और हाँ अब टू फिंगर खेल रहे हो तो मतलब लेफ्ट जो थंब होगा उससे ना आप देखो ग्लू वॉल पकड़ोगे, ग्लू वॉल पकड़ने के बाद आप लेफ्ट लेफ्ट फायर बटन का ही यूज़ करोगे ना थंब से अपने,
उसका मतलब उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं करोगे। और हाँ, थ्री फिंगर में क्या एडवांटेज होता है, देखो मैं अपने ग्लूवल भी लगा पा रहा हूँ और सीट ग्लूवल भी आसानी से लगा पा रहा हूँ एक ही टाइम पे। तो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा बस 10 दिन में आप परफेक्ट हो जाओगे थ्री फिंगर कस्टमाइजेबल ही कोई सी भी हो। देखो ना आपको क्या करना है, बस आधा एक घंटा ट्रेनिंग खेलना है बस दिन का, ठीक है। अगर आपको थ्री फिंगर में शिफ्ट होना है तो आधा एक घंटा ट्रेनिंग खेलना होगा। और हाँ, मैंने जो बताया उस टाइप से आपको कस्टम एचडी रखना है अपना। आपको फर्स्ट में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हाँ देखो फर्स्ट में आपका जो थंब मतलब अपना लेफ्ट जो अपनी फिंगर होती है ना वो काम करना स्टार्ट होगी ना, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको ना मतलब जैसा बताया मैंने उस मतलब लेफ्ट फायर बटन को आपको मतलब थर्ड फिंगर का यूज़ करना है उसमें, ठीक है। और हाँ गाइस, आगे भी एक और ऐसी स्टेप है ना जिससे आपके देख के ना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और हाँ, आप थ्री फिंगर खेलोगे ना तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो देखो हाँ गाइस, आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक कर दो ना यार, अभी बहुत सारा टाइम है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बाजू में जो बेल आइकन निकल के आएगा ना उसको भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना, जिससे ना मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, आप वीडियो को भी मिस ना कर दो। तो देखो फर्स्ट में आपके साथ क्या होगा, जैसे आपने लेफ्ट फायर बटन को लेफ्ट फिंगर में मतलब फर्स्ट साइड में रखा हुआ है तो आपके साथ क्या होगा, वो दबेगा ही नहीं, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो भी दबाना है मेरे को। तो गाइस इसका भी एक सॉल्यूशन है, तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो रुको। आपको क्या करना है, देखो जैसे ही अपना लेफ्ट फिंगर है जो भी लेफ्ट में आपने रखा हुआ है, उसके अलावा ना बाकी सबको आपको ट्रांसपेरेंसी आपको जीरो कर देनी है। मतलब हाँ, आपने सही सुना, थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो। और हाँ, आपका ऊपर वाले की ट्रांसपेरेंसी 100 रखोगे तो आपको पता भी चलेगा हाँ मैंने ऊपर भी बटन रखे हुए। और हाँ, आपका थोड़ा बहुत भी ध्यान रहेगा कि हाँ मेरे मतलब उसको भी बटन को भी दबाना है मेरे को, तो हाँ आपको ऊपर वाले की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल 100 पे रखनी है और नीचे वाले की 0 कर सकते हो आप। और हाँ, आप 0 नहीं करो ना तो थोड़ी बहुत भी कम कर सकते हो, जिससे ना आपका उन पे ध्यान आसानी से चला जाए। उन बटन्स को हाईलाइट करने के लिए आपको यही आपको सबसे बेस्ट तरीका है, जिससे ना हाईलाइट भी हो जाएंगे और आप उसका भी उसके ऊपर भी ध्यान रहेगा आपका, ठीक है। तो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप भी जल्दी से जल्दी थ्री फिंगर स्टार्ट कर दो। और हाँ, अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से स्टार्ट कर दो। और हाँ, मेरे जैसा गेम प्ले भी आपका हो जाएगा जल्दी से। मैं यही चाहता हूँ कि आप जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे वो मेरे से भी अच्छा गेम प्ले करें और हाँ उनका भी गेम प्ले अलग ही लेवल का हो जाए। तो गाइस, आज का वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा है ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो इंस्टा पर भी जाके मुझे फॉलो कर देना। और हाँ, जल्दी से एक अच्छा सा टॉपिक कमेंट कर दो ना यार, अच्छा लगता है मेरे को टॉपिक कमेंट करते हो और हाँ उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस, मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टिल टेक केयर एंड गुड बाय। खत्म।